आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम अपने डेटा को हाईलाइट करते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने कुछ डेटा है, आप देख रहे हैं। तो इस डेटा में मान लीजिए एक कॉल्स है, मुझे इसमें से जो ग्रेटर देन 500 है या ग्रेटर देन मान लीजिए 400 है उसको हाईलाइट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कलर कर दूंगा तो इसको इससे मतलब नहीं है कि इस पर क्या टाइप है, लेकिन मुझे हाईलाइट करना है एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। तो पहले हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में। यहाँ हम ग्रेटर देन आएंगे और यहाँ पे हम अपना नंबर देंगे कि 500। तो जो भी 500 से अपर है उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो जो भी ग्रेटर देन 400 है उसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन इसने डिफॉल्ट कलर दिया, मुझे अपने हिसाब से कलर चाहिए। तो यहाँ हमारे पास है जैसे येलो फील्ड तो येलो कलर आ जाएगा, ग्रीन फील्ड तो ग्रीन कलर आ जाएगा। राकेश जी ज्वाइन कर रहे हैं आप? यहाँ पे रेड फील्ड, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, इसका यूज आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कस्टम फॉर्मेट में चले जाए तो कस्टम फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चाहे वो फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फिल कलर में चाहिए, ये कलर चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड ओके किया, हमारा कलर हाईलाइट हो गया। और ये हमेशा फिक्स नहीं होगा, ये आपके वैल्यू को चेंज होने के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 300 हो गया तो देखिए इसकी कलर हट गई, और ये आपको अगर मान लीजिए कि ये हमारा 523 हो गया तो इस पर कलर अप्लाई हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही एक बेनिफिट होता है कि कंडीशन अप्लाई होने के बाद वैल्यू अपडेट होने पे ये अपने आप को चेंज भी करती रहती है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप हेडिंग को ना करें क्योंकि हेडिंग भी हाईलाइट हो जाता है जैसे देख रहे हैं आप। तो हेडिंग को सिलेक्ट ना करें, एक एरिया को सिलेक्ट करें जिस एरिया को आपको करना है। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आता है पहला हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में आता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन को चूज करता हूँ, यहाँ पे अपना वैल्यू डालता हूँ जो वैल्यू डालना है हमें। जैसे हमने बोल दिया कि मैं यहाँ पे 1000 से ऊपर वाले को हाईलाइट करना है, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आता है विद कलर कि किस कलर से इसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कलर के अलावा जो भी कलर चाहिए आप फॉर्मेट सेल में जाएं और उस कलर को ले और हाईलाइट कर दें। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए बाकी एग्जांपल को देखते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये तीन अलग अलग कलर है। अगर ग्रेटर देन किया तो इससे हाईलाइट हो जाएगा, लेस देन करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, और आप यहाँ पे बिटवीन करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो लेस देन मतलब किसी नंबर से बड़ा, किसी नंबर से छोटा, ग्रेटर देन में किसी नंबर से बड़ा, और बिटवीन में विद इन टू नंबर्स के बीच में जो होगा उसको हाईलाइट कर देगा। और कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप सिर्फ जो है दो चीजें डाल सकते हैं, नंबर्स एंड लेंथ, कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते। आप ये नहीं डाल सकते कि ग्रेटर देन रवि, ग्रेटर देन पूजा, ऐसी चीज आप नहीं डाल सकते, क्योंकि टेक्स्ट पे लॉजिकल ऑपरेशन सिर्फ इक्वल चलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं चलता है। लेकिन यहाँ एक इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यू। हमने इसको सिलेक्ट किया और मान लीजिए मुझे यहाँ पे 800 को हाईलाइट करना है, तो 800 हाईलाइट हो। साथ ही अगर मान लीजिए कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है तो इक्वल टू, और मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है, ये हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली है और हमारा नीचे न्यू दिल्ली है। अगर मैं रीजन में
इक्वल टू पे जाता हूं और दिल्ली टाइप करता हूं तो क्या आपका दिल्ली हाईलाइट हो रहा है, न्यू दिल्ली आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैं न्यू दिल्ली करूंगा तो फिर दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि यहां पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में हमारे पास इक्वल टू के नीचे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है इस चीज को देखिए, ये मिलता जुलता वर्ड को हाईलाइट करता है। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, दे दिया दिल्ली, तो दिल्ली किसी के साथ हो या किसी के सिर्फ सेल्फ हो या किसी के साथ हो, आपको ये हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट दैट कंटेन इस चीज के लिए यूज की जाती है। टेक्स्ट दैट कंटेन के बाद आता है डेट ऑफरिंग। जैसे कि हमने डेट पे यूज किया था, मैं इस महीने का डेट ही कर लेता हूँ। और यहां आता हूं, और यहां पे हमारे सामने अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर डेट से आज का डेट हाईलाइट करना है, तो मैं इक्वल टू में जाऊंगा और यहाँ पे 1 अप्रैल डाल दूंगा। ये डालने की जरूरत नहीं है, अगर करेंट ईयर की है तो ये डालने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कंडीशन चाहिए जैसे कि किसी डेट से पहले या किसी डेट के बाद, तो गेटर देन में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 10 अप्रैल लिख देता हूँ, 10 अप्रैल से ऊपर के डेट को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं चाहता हूं किसी डेट से छोटा तो यहां पे डेट डाल सकते, लेकिन वो फिक्स होता है। मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो, मेरा जो सिस्टम डेट है उससे कनेक्टेड हो, तो उस केस में हम यहां पे डेट ऑकरिंग का यूज करते हैं। डेट ऑकरिंग यहां पे टुडे, टुमारो, द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक तो है नहीं, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्ट होगा और सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? समझे सर? तो यहां डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। सॉरी, डेट ऑकरिंग के बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू से। तो डुप्लीकेट वैल्यू अभी जरूरी है कि कोई वैल्यू ऑलरेडी टाइप है। जैसे मैं अगर किसी अलग सेल में जाऊँ और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, खैर जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट एंट्री ना हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट पे जाके ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा, फिर नीचे हमने मोबाइल नंबर दिया, दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। तो एक या एक से ज्यादा हो ये आपके हाईलाइट हो जाते हैं डुप्लीकेट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने डिस्कस किया हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसमें हमने बात की ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। आपको इसमें किसी में डाउट है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए बात करते हैं अगले अगले टॉपिक में। हमारा आता है टॉप 10 एंड बॉट टॉप 10 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर मान लीजिए कि हम इसी में एक्सलेंट में टॉप 10 को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, तो जो टॉप 10 होगा, हाईएस्ट टॉप 10 होगा, वो यहाँ आपको हाईलाइट दिखाएगा। तो टॉप 10 आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दे। और इसी तरह से अगर यहाँ पे टॉप 10 की जगह पे अगर टॉप 5 चाहिए, तो आप यहाँ पे टॉप 5 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टॉप 15 भी कर सकते हैं, टॉप 100 भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो आप लिख सकते हैं। और कलर, जैसे कि इसमें अगर कोई कलर चेंज करना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर टॉप की जगह मुझे बॉटम चाहिए, तो मैं इसी में टॉप बॉटम में यहाँ बॉटम 10 पे क्लिक करूंगा, और यहाँ बॉटम 10 हमारा हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद इसमें दो चीज और है, टॉप 10% एंड बॉटम 10%, ये बेसिकली परसेंटाइल फॉर्मूले पे वर्क करता है। तो जब मैं आपको परसेंटाइल फॉर्मूला सिखाऊंगा तो इसको मैं बता दूंगा। बात करते हैं अबव एवरेज की। अभी क्या है कि मान लीजिए इसका जो एवरेज है, मुझे है एवरेज से ऊपर करना है, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि इसका ये क्या है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कि एक्सीलेंट का बॉटम क्या है, मतलब बेंचमार्क क्या है, तो उससे ऊपर वाले को आप अच्छा समझेंगे और नीचे वाले को आप खराब समझेंगे। तो यहाँ पे ये बेंचमार्क डिफाइन नहीं है, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब। तो जो एवरेज है, मैं चाहता हूँ एवरेज से ऊपर को हम अच्छा समझें, एवरेज से जो नीचे है उसको हम खराब समझें, तो एवरेज और हाईलाइट हो जाए। इसका एवरेज यहाँ आपको दिख रहा होगा 30, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट में, सॉरी टॉप बॉटम में जाता हूँ, अब हम एवरेज पे आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसने एवरेज क्लिक किया 30, और 30 से ऊपर जो भी है उसको इसने हाईलाइट किया। तो 30 से जितने भी ऊपर होंगे उसको हाईलाइट कर लेगा। ऐसे आप बिलो एवरेज करेंगे तो 30 से नीचे वाले को हाईलाइट कर देगा, इसको बिलो एवरेज कहते हैं। तो भगवान लाल जी, राकेश जी एंड मनीष जी, आपको ये टॉप बॉटम में कोई डाउट है? टॉप बटन के बाद आते हैं डेटा बार। डेटा बार जैसे कि अब मुझे पता लगाना है कि एक्सलेंट में 50 क्या हाईएस्ट या लोवेस्ट है, तो इसमें इसकी रैंकिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो डेटा बार हमें जस्ट बार के जरिए बता देता है कि कौन कितना बड़ा है। तो बार के जरिए ये बता देता है कौन कितना बड़ा है। अगर आप इसको एक अलग सीट पे करें, जैसे मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करूं, और इस पे मैं यहां पे कोई कलर अप्लाई करता हूं, चाहता हूँ मुझे पता करना है, तो इस पर अगर मैं यहाँ से अगर डेटा बार लेता हूँ, तो देखिए जैसे जैसे मेरा डेटा बढ़ रहा है उस तरह से मेरा बार भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो इसको इस तरह से हम यूज करते हैं, और ये अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग शेप हैं, दोनों एक ही जैसा है, तो इसका यूज हम डेटा में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं ताकि डेटा को देख सकें।
उसके बाद इसमें कलर स्केल आता है, तो कलर स्केल भी डेटा बार की तरह ही होता है। तो कलर स्केल क्या करता है कि एक ये दे देता है, मतलब कि एक कलर शेड बना देता है। तो कलर शेड से होता क्या है कि आपका जैसे कि देखिए जो लोएस्ट है वो ग्रीन है, हाईएस्ट है वो आपका ये है। तो इस तरह से लोएस्ट और हाईएस्ट की तरफ ये अपना दिखा देता है। ठीक है, आइकन सेट अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आइकन सेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए आइकन सेट लोअर मिडल अपर दे दिया। अब इसी में मैं ये दे दूं कि भाई यहाँ पे कि Q1 एंड हमारा Q2, तो Q1 में हमने दे दिया 50, Q2 में दे दिया 60। अब मुझे पता करना है कि कौन सा बड़ा है इसमें। तो इसके लिए इसके लिए मुझे इसका ये निकालने से अच्छा है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आइकन सेट में आते हैं और ये दे देते हैं, ऑटोमेटिक बड़ा आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 62 कर दिया तो स्वैप हो जाएगा। इसका यूज हम करते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में। ठीक है सर, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने वो यूज इस्तेमाल बताया आपको जो कि बाहर अवेलेबल है। अब चलिए आइकन सेट में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। तो मैं यहां पे एक छोटा सा डेटा बनाता हूं। मैं यहां पे में लग रहा प्रॉब्लम है सर। यहां पे हम देते हैं कुछ सेल्स फिगर। सॉरी, अब यहां पे मान लीजिए कि मुझे यहां पे ये देना है कि जो ग्रेटर देन 60 है मैं उसको पास देना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये स्कोर है यहां पे, एक का हमारा ऑफिशियल एक ये हुआ है, एक टेस्ट हुआ है उसमें है। तो 60 से ऊपर वाले को पास करना है, 42-60 वाले को हम यहाँ पे उसको रीटेस्ट के लिए बोलेंगे कि रीटेस्ट दे सकते हैं। जो लेस देन 40 है हम फेल करते हैं। ये कंडीशन मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा इसमें दिखाना है। तो नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए तो हम लोग इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ सही है, इफ फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इफ यूज नहीं करना है, कंडीशन से दिखाना है। उसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं, हमारे पास आइकन में इस आइकन को ले लेते हैं। इसमें टिक का निशान हुआ कि पास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब कि रीटेस्ट और क्रॉस मतलब फेल। ओके, चलिए करते हैं। तो इसे अप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो अभी अप्लाई हुआ है वो हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है।
मुझे ऐसा करना है कि मेरे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। तो हम किसी की नहीं, मतलब किसी तरह के कंडीशन फॉर्मेटिंग को एडिट करने के लिए या इसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए आपको यहाँ मैनेज रूल में जाना होगा। तो मैनेज रूल में आइए और यहाँ आप जो है ये देखिए, जितने भी कंडीशन इसमें अप्लाई होंगे यहाँ दिख जाएंगे, बस इस पर आप डबल क्लिक कर दें। अब यहां पे देखिए, ए ए आपका परसेंटेज है, इसको नंबर कर दीजिए और यहां पे नंबर डाल दीजिए, आप ग्रेटर देन 60 कर दीजिए, लेस देन इक्वल 50 40 सही है 40। तो और ये देखिए कि 60 से ऊपर में ए आएगा, 40 to 60 के बीच में ए आएगा और लेस देन 60 40 में आपको ए आएगा, यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है। अब इसको आप ओके कर दीजिए। अभी चीज समझ में कैसे आएगा, तो यहां पे मैं 3 2 1 लिख देता हूं और फिर इसके ऊपर आइकन अप्लाई कर देता हूं। बट 3 2 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होगी कि 3 2 1 क्या है। तो मैं इसको भी कर सकता हूं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेलेक्ट किया, और यहाँ माफ कीजिए, राइट क्लिक नहीं करना था, मैं क्या कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना था और यहाँ आइकन सेट अप्लाई करना था, फिर इसके मैनेज रूम में जाना था और यहाँ पे हमें यहाँ पे शो आइकन ओनली दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका फिगर नहीं दिखेगा, जस्ट आइकन दिखेगा, अप्लाई कीजिए एंड। तो आइकन्स में कोई प्रॉब्लम है सर आप लोगों को? हेलो राकेश जी, कोई डाउट है इसमें? अब इसमें अगला ऑप्शन ये तो हो गया, अब इसमें अगला ऑप्शन हम करते हैं कि ये जो चीज आप देख रहे हैं वो मोस्ट यूजेज है, समझे, ये आपके जो दिखा रहा है वो मोस्ट यूजेज है। इसमें और भी बहुत चीजें, जैसे कि आप हाईलाइट में जाएं तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट बिटवीन, ऐसे साइन नहीं है। तो ये चीज आपको मिलेगा कहाँ, मोर रूल्स में या फिर न्यू रूल्स में। तो मोर रूल्स पे या न्यू रूल्स पे आप क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। अब यहां पे आइए, ये रहा आप कंडीशन, बिटवीन नॉट बिटवीन, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सब यहां आपको दिख रहा है। अब इसमें मैं सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे नॉट इक्वल ले लिया और यहां पे अपना कंडीशन नॉट बिटवीन दिया, 50 to 60 के अलावा हाईलाइट करना है, और यहां फॉर्मेट में जाके अपनी फॉर्मेटिंग को चूज करें, फॉर्मेटिंग में नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल के अलावा यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अलाइनमेंट और बाकी चीजें नहीं होती है। इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से तो और क्या क्या है इसमें, तो सेल वैल्यू हुआ। अब सेल वैल्यू के अलावा यहाँ पे आपको ये है कि आप टेक्स्ट पे जाए, तो टेक्स्ट में हमने कंटेनिंग पढ़ा था, टेक्स्ट दैट कंटेनिंग, यहाँ कंटेनिंग के अलावा आपको मिल जाएगा नॉट कंटेनिंग, विगेन भी, मतलब कि जैसे कि आपका नाम है मिस्टर लगा हुआ है तो चाहते हैं जिसके नाम है एम आर लगा हुआ है उसको हाईलाइट कर दे, तो मिस्टर वाले को सारे को हाईलाइट कर देगा। उसी तरह से यहाँ आपके सामने एंडिंग भी लास्ट वाले को हाईलाइट कर देगा, तो ये आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आता है डेट ऑकरिंग,
वही है जो बाहर आपने पढ़ा था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ब्लैंक वही ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक को हाईलाइट करेगा। यहाँ पे एरर्स की बात करते हैं, एरर्स में एक है यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक अलग एक सेल पे आता हूँ, एक अलग सीट पे, और मैं यहाँ पे एनए का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एनए का फॉर्मूला एरर शो करता है और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो जहां जहां हमारी वैल्यू है वो विजुअल हो, बाकी विजुअल ना हो, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास आता है फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसका, इफ एरर का फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं कंडीशनल वर्डिंग से भी कर सकता हूँ। यहाँ न्यू रूल्स पे आऊंगा मैं, और यहाँ सेल फॉर्मेट पे जाता हूँ, और यहाँ एरर पे आता हूँ, और फिर मैं इसकी फॉर्मेट में इसका फॉन्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, जबकि बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर फॉन्ट भी व्हाइट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ना, व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से तो दिखेगा नहीं। और फिर मैं इसको ओके करता हूँ, देन ओके। अब देखिए ठीक है, एक्चुअल में है यहाँ पे, बट आपको विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कलर को मैंने व्हाइट कर दिया। ओके, अब अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे न्यू रूल्स में फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला का, बट क्या है कि थोड़ा सा ये एडवांस है, तो इससे पहले इसको सीखने से पहले बाकी चीजों पे प्रैक्टिस कर ले तो बेटर रहेगा, ठीक है सर? तो अभी जो है बाकी चीजों पे आप प्रैक्टिस कर लें, तो इसके अलावा बाकी जो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास इसकी नॉलेज हो जाएगी, देन फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो पीछे की जो चीजें छूट गई है आपको वो आप पढ़ सकते हैं। शाम की बैच 5 बजे की स्टार्ट हुई है, जो कि शुरू से है और फास्ट पे में है, तो आप लोग अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल हम सोच रहे थे दोपहर में एक 2-3 घंटे की बैच ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें हम काफी लंबी क्लास में